शादियों में जो छोले की सब्जी बनाई जाती है फ्रेंड्स, वही बनाएंगे आज हम घर पर आसान तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकुंद माधव किचन एमएस में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी छोले की रेसिपी। ये बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये सुपर टेस्टी रिच ग्रेवी वाले छोले की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ये हमने 300 ग्राम छोले लिए थे, इनको हमने भिगो दिया था 2 से 3 घंटे पहले ही। फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी भीग जाते हैं अगर इस तरीके से आप भी भिगोएंगे छोले। ये हमने गुनगुने पानी में इनको भिगोया था तो ये बहुत ही जल्दी भीग गए फ्रेंड्स, यानी कि अच्छे से फूल गए हैं। अगर फ्रेंड्स आपके पास टाइम कम हो और आपको छोले बनाना हो तो आप गुनगुने पानी में इनको भिगो दें, बहुत जल्दी से भीग फूल जाते हैं। अब छोले को हम डाल लेंगे कुकर के अंदर, 1 गिलास जितना पानी डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। अब फ्रेंड्स, 1/4 छोटा चम्मच हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा डालना है फ्रेंड्स। सोडा से हमारे छोले अच्छे से फूल जाते हैं, ये खस्ता बनते हैं फ्रेंड्स, जो मुंह में रखते ही घुल जाते हैं फ्रेंड्स। छोले हम 1 सीटी लगा के लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब फ्रेंड्स, हमने लहसुन लिया है, अदरक लिया है और प्याज को हमने मोटे टुकड़ों में काट लिया है और 2 टमाटर को हमने कट कर लिया है। अब हमने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पर, 1 छोटा चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो गए हैं, हमने 1/4 कटोरी मूँगफली ली है, इनको छिलका हमने निकाल के लिए हैं फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसकी जगह काजू भी डाल सकते हैं या मगज के बीज आप डाल सकते हैं। इनको हल्का ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, दाने हमारे हल्के ब्राउन हो गए हैं, कटा हुआ अदरक डाल देंगे, लहसुन डालेंगे। तो लहसुन डाल के हमने 1 मिनट चला लिया था फ्रेंड्स। अब हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे और 1 मिनट के लिए चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, 1 मिनट हो गया है, अब हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इनको थोड़ा गलने तक पकाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, 1/2 कप हमने पानी डाल दिया है इसमें ताकि टमाटर हमारे अच्छे से जल्दी गल जाएँ। नमक डाल देंगे, अब इनको अच्छे से पका लेते हैं ताकि सभी सामान हमारा अच्छे से गल जाए। तो फ्रेंड्स, सभी सामान अच्छे से पक गए हैं, लहसुन प्याज अदरक टमाटर सभी। तो फ्रेंड्स, अब हमने गैस को ऑफ कर दिया है और इनको अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छे से ठंडे हो गए हैं, अब हम इनको पेस्ट बना लेते हैं एक मिक्सी जार में डालकर। कढ़ाई को हमने गैस पर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक हम मसाला बना लेते हैं। 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे कुटा हुआ है, और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये तीखा नहीं होता है फ्रेंड्स, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से फूल जाएं। तो मसाले का पेस्ट अच्छे से बन गया है फ्रेंड्स, कढ़ाई भी हमारी अच्छे से गर्म हो गई है, 2 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो गया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे और 1 तेज़पत्ता डालेंगे, 3 से 4 काली मिर्च, 1 हरी इलायची और 1 लौंग डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। अब कसूरी मेथी डाल देंगे, इसको जलने नहीं देंगे फ्रेंड्स, और तुरंत ही हम जो मसाला हमने बना कर रखा था वो डाल देंगे। अब मसाले को चलाते हुए 2 मिनट तक पका लेंगे। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, अब जो पेस्ट बना के रखा था वो डालेंगे फ्रेंड्स और अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, पेस्ट वैसे तो हमारा पका हुआ था लेकिन हम इसको फिर भी भून लेंगे 2 मिनट के लिए अच्छे से। तो फ्रेंड्स, मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें 3 चम्मच होममेड चना मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिला के भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, देखिए कढ़ाई में बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब मसाला हमारा अच्छे से खिल गया है, देखिए खिला खिला सा हो गया है।
यही पहचान होती है अच्छे से मसाला भुनने की। अब हम इसमें डाल रहे हैं फ्रेंड्स 5 से 6 चम्मच क्रीम, आप चाहें तो इसकी जगह मलाई भी डाल सकते हैं। अभी हमने 2 चम्मच क्रीम डाली है, अच्छे से मिला लेंगे। 2 चम्मच क्रीम और डालेंगे और बढ़िया से अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स होने तक। तो फ्रेंड्स देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसने अच्छे से ऑयल भी रिलीज कर दिया है। अब फ्रेंड्स जो हमने छोले भिगो के रखे थे वो देख लेते हैं। देखिए छोले हमारे बहुत ही अच्छे से उबल गए हैं, यानी कि देखिए इस तरीके से मैश हो रहे हैं। ऐसे ही छोले फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं खाने में, जो मुँह में रखते ही घुल जाते हैं। छोले को हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इनको थोड़ा मैश करते जाएंगे इस तरीके से, इससे ग्रेवी हमारी और भी ज़्यादा अच्छे से रिच बन जाएगी। आप देख सकते हैं छोले कितने अच्छे से मिक्स हो गए फ्रेंड्स। अब और डालेंगे और उनको भी थोड़ा मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से छोले बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही रिच ग्रेवी के बनते हैं, बहुत ही कम सामान में फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जो बाकी के बचे हुए छोले थे वो भी डाल देंगे पानी सहित और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स छोले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 1/2 चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें चीनी, ये ऑप्शनल है, मसालों को बैलेंस करने के लिए हमने डाला है फ्रेंड्स। 2 से 3 पिंच जितना नमक डालेंगे, नमक हमने ऑलरेडी डाल रखा है छोले और मसाले के अंदर, तो नमक हम ध्यान से ही डालेंगे फ्रेंड्स। पानी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार डालें, जितना आपको कम ज़्यादा चाहिए हो। अब बॉईल आने तक पका लेंगे ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। तो फ्रेंड्स सब्जी में अच्छे से उबाल आ गया है, ये देखिए। अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं। कटी हुई धनिया डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी को। तो फ्रेंड्स अब सर्व कर लेते हैं, हमारे छोले बनके तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही खस्ता बने हैं, जो मुंह में रखते ही घुल जाते हैं, और बहुत ही रिच ग्रेवी के बने हैं फ्रेंड्स, बहुत ही कम सामान में। तो फ्रेंड्स आप इन छोलों को भटूरे, पूरी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।